पिछले रविवार को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर दो बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जिस गोलीबारी के बाद से ही मुंबई क्राइम ब्रांच सकते में आई और दोनों ही आरोपियों को धर दबोची है। अब सलमान खान के घर पर हुई इस कदर फायरिंग को लेकर तरह तरह के रिएक्शन देखने को मिले, लेकिन पहली बार सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा का इस पर रिएक्शन आया। आइए चले जानते हैं कि सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा ने सलमान खान के ऊपर हुए अटैक को लेकर क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल सलमान खान इन दोनों खूब चर्चाओं में बने हुए हैं। जब से उन पर हमला हुआ है तब से उनको लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सलमान खान से उनके घर पर मुलाकात करने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंचे थे, जहां पर वो सलमान खान के पिता सलीम खान और सलमान खान से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि हम उनकी सुरक्षा को पुख्ता करेंगे। इसके अलावा कई सारे नामचीन कलाकारों समेत राजनीति जगत से कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो सलमान खान का हालचाल पूछ रहे हैं, लेकिन पहली बार सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा का इसको लेकर एक बड़ा बयान आया है। अब आयुष शर्मा मौजूदा समय में अपनी आने वाली फिल्म रुसलान की वजह से खूब चर्चाओं में बने हुए हैं और इसी बीच आयुष शर्मा ने न्यूज एजेंसी ANI से खास बातचीत भी की है। इसमें उन्होंने फायरिंग कार्ड पर रिएक्ट भी किया है। आयुष शर्मा ने कहा कि इस घटना के बाद जैसे मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया, उसके लिए हम उनकी तारीफ करना चाहते हैं। मुंबई पुलिस के इस सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आयुष शर्मा ने सलमान खान उनकी फैमिली को मिली दुआओं के बारे में खुलासा किया। बताना चाहे कि इस घटना के बाद ही सलमान खान की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। वैसे सलमान खान ने ईद के मौके पर अपने फैंस को एक खास तोहफा भी दिया था। इस दौरान सलमान खान ने अपनी नई फिल्म सिकंदर को रिवील किया था। बताना चाहेंगे कि सलमान खान की यह फिल्म अगले साल ईद के मौके पर बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। बीते साल सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 रिलीज हुई थी, जिसे लोगों ने काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी दिया था। अब भाईजान सलमान खान अपनी अपकमिंग मूवीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के बाद अब वो पहली बार किसी एक बड़ी फिल्म को लेकर बड़े पर्दे पर हाजिर होंगे।